प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले के पीरियड में हमने देखा था गुप्त दौर का भारत, उसके बाद आज हम देखेंगे गुप्त दौर के बाद का भारत। तो ईसवी सन की छठी सदी में गुप्त सल्तनत का जवाल होने से भारत में छोटी छोटी रियासतों का उरूज हुआ। गुप्त इक्तदार के मातहत कई ख़ानदानों ने खुद की आज़ादी का ऐलान करके नई रियासतें कायम की। कई सारे ख़ानदानों ने अलग अपनी रियासत कायम की, जैसे कि मोखरियों ने, पोष्यभूति, वर्मन ख़ानदान, मैत्री ख़ानदान और गौड़ ख़ानदान ने अपनी नई रियासतें कायम की। उसके बाद देखेंगे इलाकाई हुकूमतें। तो इलाकाई हुकूमतों के बारे में देखेंगे कि भारत की तारीख में किसी एक ताकतवर हुकूमत की कमी की वजह से मुख्तलिफ़ इलाकों में बहुत सी इलाकाई हुकूमतों का उरूज हमेशा होता चला आया है। गुप्त सल्तनत भी एक ताकतवर हुकूमत होने की वजह से भारत के ज़्यादातर हिस्से पर उसने हुकूमत की, लेकिन उसके जवाल के बाद बहुत ही तेज़ी से कई सारी इलाकाई हुकूमतें इक्तदार में आई, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे यशोवर्मन यानी वर्मन ख़ानदान का जो राजा है यशोवर्मन, उसके बारे में। तो कुमारगुप्त के दौर में मगरिबी मालवा के जागीरदार बंधु वर्मन की मंदसूर पर हुकूमत थी। मंदसूर के एक कुतबे में यशोवर्मन नामी एक बादशाह का जिक्र है। ईस्वी सन 528 में वो तख्त पर बैठा और 543 तक उसने हुकूमत की। मंदसूर के कुतबे में उसे अजीम फातह बादशाह के तौर पर बताया गया है, क्योंकि उसने हुनों को शिकस्त दी थी। उसके बाद देखेंगे मोखरी ख़ानदान के बारे में। तो ईस्वी सन की 5वीं सदी के आखिर में कन्नौज के मोखरियों ने हुकूमत हासिल की। मोखरियों का जिक्र पतंजलि की किताब में भी पाया जाता है। ईस्वी सन 554 में गया में यज्ञवर्मन ने इक्तदार संभाला था। तो यज्ञवर्मन, शारदल वर्मन और अनंत वर्मन, ये तमाम इब्तदाई मोखरी राजा थे जिन्होंने ज़्यादातर जागीरदार अलकाब अपनाया था, जिससे ये वाज़ह होता है कि वो गुप्त राजाओं के जागीर थे या खिराजी बादशाह थे। इसके अलावा असीरगढ़ के ताम्रपत्र में कन्नौज के ईशार वर्मन और सर्व वर्मन का भी शुमार होता है। ईशान वर्मन ने भी आज़ादाना रियासत कायम की थी। तो मोखरी राजाओं ने बाद के गुप्त ख़ानदानों के दामोदर को शिकस्त दी थी। मोखरी ख़ानदान का जो आखिरी बादशाह था वो ग्रह वर्मन था। उसने थानेश्वर के राजा प्रभाकर वर्धन की बेटी जयश्री के साथ राजेश्री के साथ शादी की थी। मालवा के राजा देवगुप्त ने कन्नौज पर हमला करके ग्रह वर्मन को कत्ल किया था और इस तरह मोखरी हुकूमत का खात्मा हुआ था। उसके बाद देखेंगे वल्लभी का उरूज। तो गुजरात में ईस्वी सन 467 तक गुप्त सल्तनत की हुकूमत थी। उसके थोड़े वक्त के बाद ही मैत्री ख़ानदान के सिपे सालार भट्टारक ने गुजरात में अपनी आज़ाद हुकूमत कायम की। उसने वल्लभी को अपनी राजधानी बनाई और उसे तरक्की दी। भट्टारक जो था वो शिव मज़हब का मानने वाला था। उसके बेटे ध्रुवसेन अव्वल ने अपने आबा व अजदाद की तरह बादशाहत को कबूल नहीं किया था, वो मैत्री के तौर पर ही जाना जाता था। इस ख़ानदान के तीसरे राजा दावन सिंह ने महाराजा धीराज का लकब हासिल किया था और अपनी रियासत को तरक्की दी थी। इसके अलावा मैत्रिक राजाओं ने तकरीबन 8वीं सदी की इब्तिदा तक
पूरे गुजरात में हुकूमत हासिल की थी। उसके बाद देखेंगे राजपूताना के गुर्जर, राजपूताना यानी राजस्थान। तो गुप्त सल्तनत ख़त्म होने के बाद जुनूबी राजस्थान में गुर्जर शाही ख़ानदान इक्तदार में आया। ये गुर्जर हुनों के साथ परदेश से आए होंगे, ऐसा मौरखीन का मानना है। तो ये गुर्जर हिमाचल से विंध्या तक के इलाके में, ख़ास तौर पर राजस्थान के इलाके में कयाम पज़ीर हुए, यानी कि वहाँ पर रहने लगे। और पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इन तीनों रियासतों में उन्होंने सकूनत इख्तियार की। छठी सदी में जुनूबी राजस्थान में उन्होंने अपना इक्तदार कायम किया और उनके नाम से जुनूबी राजस्थान गुर्जर मुल्क के तौर पर पहचाना गया। तो राजस्थान में हरीश चंद्र ने गुर्जर हुकूमत की बुनियाद डाली। उनकी औलाद प्रतिहार के तौर पर जानी जाती, प्रतिहार यानी के सूबेदार। इस पर से तारीख दानों का मानना है कि हरीश चंद्र और उनके अजदाद किसी रियासत के प्रतिहार के तौर पर काम करते होंगे और गुप्त सल्तनत के जवाल के बाद सियासी बदनज़मी का फ़ायदा उठाकर उन्होंने मारवाड़ में यानी कि राजस्थान में अपनी हुकूमत कायम की होगी। उनकी औलाद ने जुनूबी गुजरात तक रियासत को फैलाया था। यूएन शोंग ने गुर्जर मुल्क की मुलाकात ईस्वी सन 641 में की। उसने बताया है कि उस वक्त राजस्थान यानी कि गुर्जर मुल्क की राजधानी भलमाल या श्रीमाल होगी। ईस्वी सन 726 में सिंध के अरब जुनैद ने गुर्जर मुल्क पर हमला किया और उन्हें शिकस्त दी। नतीजे में राजस्थान की गुर्जर रियासत का भी खात्मा हुआ। उसके बाद देखेंगे जुनूबी गुजरात का नांदीपुरी। तो जुनूबी गुजरात में वाक़े नांदीपुरी में जागीरदार दद्द ने अलग रियासत कायम की थी। वो गुर्जर थे। तारीख दानों का ऐसा मानना है कि जो दद्द था वो हरीश चंद्र का बड़ा बेटा होगा, यानी कि गुजरात में नांदीपुरी ये गुर्जर शाही ख़ानदान का ही एक हिस्सा था। उसने अंकलेश्वर और संखेड़ा के इर्द गिर्द के इलाके में हुकूमत की। दद्द का बेटा जय भट्ट और उसके बाद दद्द सुवम ने हुकूमत को संभाला। दद्द सुवम ने वल्लभी के मैत्रिको से भरूच का इलाका फतह करके सल्तनत का फैलाव किया। उसने नांदीपुरी के बदले अपनी राजधानी भरूच में रखी। इस ख़ानदान का आखिरी राजा जय भट्ट चहारुम था। राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने अपनी हुकूमत को फैलाने के लिए गुर्जर रियासत को नीस्त तो नाबूद कर दिया। इसके अलावा शुमाल मगरबी बंगाल में गोड राजा शशांक की हुकूमत थी। उसके बाद देखेंगे थानेश्वर और कन्नौज के पोष्याभूति। तो पोष्याभूति ख़ानदान ने इब्तदा में थानेश्वर यानी कि हरियाणा और बाद में कन्नौज में हुकूमत कायम की। इनकी तारीख जानने के लिए बाण भट्ट की लिखी हुई किताब हर्षचरितम बहुत अहम है। हर्षचरितम इस किताब के मुताबिक राजा पोष्याभूति ने थानेश्वर में पोष्याभूति ख़ानदान की बुनियाद डाली। वासखेड़ा और मधुबन कुतुबों में इस ख़ानदान के 5 राजाओं का जिक्र मिलता है। इस कुतुबे के मुताबिक इब्तदाई 3 राजा यानी पहले के जो 3 राजा थे वो सम्राट नहीं थे, लेकिन चौथे राजा प्रभाकर वर्धन ने महाराजा धीराज का लकब हासिल किया और वो आज़ाद सम्राट था। उसने अपनी बेटी राजेश्री की शादी मोखरी ख़ानदान के राजा ग्रह वर्मन के साथ करवाई थी। थानेश्वर पर हुनों के हमले का डर पैदा हुआ। ये देखकर
प्रभाकर वर्धन ने अपने बड़े बेटे राज्यवर्धन को हूनों के खिलाफ जंग करने के लिए भेजा, लेकिन प्रभाकर वर्धन की अचानक तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से राज्यवर्धन को वापस आना पड़ा और कुछ वक्त के बाद प्रभाकर वर्धन का इंतकाल हो गया। तो प्रभाकर वर्धन के इंतकाल के बाद मालवा के बादशाह देवगुप्त ने ग्रहवर्मन को कत्ल किया और राजेश्री को अगवा कर लिया, यानी कि देवगुप्त ने प्रभाकर वर्धन के दामाद को कत्ल किया और उनकी बेटी राजेश्री को अगवा कर लिया। तो देवगुप्त की मदद किसने की? शशांक राजा ने मदद की। नतीजे में थानेश्वर और कन्नौज पर ख़तरा पैदा हुआ, लेकिन राज्यवर्धन ने मालवा को शिकस्त दी, यानी मालवा के राजा देवगुप्त को शिकस्त दी, मगर गौड राजा शशांक ने धोखे से उसका कत्ल कर दिया। इस तरह एक साथ थानेश्वर और कन्नौज दोनों ही रियासतें बादशाह बगैर की हो गई। ऐसे वक्त में राज्यवर्धन के छोटे भाई हर्षवर्धन पर इन दोनों रियासतों को संभालने की जिम्मेदारी, अपनी बहन को बचाने की और अपने भाई के कत्ल का बदला लेने की जिम्मेदारी आन पड़ी। तो इसके आगे के जो पॉइंट है वो हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे।